हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी शाम के 5 बज रहे तो सभी को गुड इवनिंग मेरे तरफ से। और मैं भी फ्री हुई हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लूँ। तो मतलब आज ये वीडियो बना रही हूँ, तो फिर देखती हूँ फिर ये वीडियो भी कब तक आप लोगों को मिलता है। पता नहीं क्या ही करना, भी मतलब कुछ काम मतलब रहता है ना, तो जिसके कारण से मैं वीडियो वगैरह फटाफट नहीं बना पाती हूँ, और बना भी लेती हूँ तो फिर उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ता है ना। तो बस उस वही सब की वजह से मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम रहता है ना, तो बस यही रहता है। तो बाकी लोग तो पता नहीं मतलब दिन दिन में मतलब एक दिन में 4, 5, 10 पता नहीं कितना कितना मतलब अपलोड करते हैं, लेकिन मैं तो है ना एक वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकती हूँ, है ना। पता नहीं क्या ही करूँ, मेरा एक बेबी है, बस उसको देखने में ही घर संभालने ही मेरा मतलब पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है ना। तो पहले मैं उनके सारे काम मतलब देखती हूँ, फिर अपने घर के सारे काम देखती हूँ, इसके बाद ही मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, क्योंकि है ना फ्रेंड्स क्या ही करूँ। मतलब आप लोगों को तो पता है ना कि बच्चे लोग कितने ही मतलब नटखट होते रहते, इधर उधर 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 उथल मचाते रहते हैं, बस क्या ही करना, तो देखना तो पड़ता ही है ना। तो आज भी 3 मिनट्स थॉट्स है और आप लोगों का फेवरेट है, और मतलब पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसको पसंद ना हो बक बक तो वो लोग आप लोग स्किप करके अपना फेवरेट देख सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं यही बोल रही थी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इसलिए थैंक यू सो मच, और जो मुझे सपोर्ट नहीं करते कुछ भी मैसेज करते हो वो सभी को भी थैंक यू सो मच। पर क्या ही करूँ यार, कुछ भी मैसेज कर देते हैं लोग तो बहुत तकलीफ़ होता है, पर क्या ही करूँ, जाने दो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ यार, कुछ भी कमेंट मत करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, है ना। अच्छा कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, बुरा कमेंट करते तो बहुत मन में दुख होता है। बस यही बोल रही थी। तो फिर बहुत सारी बातें हो गई है, आज का थॉट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का थॉट्स है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का थॉट्स यही था, बताइएगा आज का थॉट्स आप लोगों को कैसे लगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस थॉट से हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोगों को है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है ना, तो उसके लिए हम लोगों को उसके काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस काबिल बनेंगे तो ही हम लोगों को मतलब है ना सारी चीज़ हम लोगों को मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को है ना ज़िंदगी सब कुछ देने के लिए तैयार है, उसके काबिल हम लोगों को बनना पड़ेगा। तो बस हम लोगों को मेहनत करना है, संघर्ष करना है और आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी हम लोगों को सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, तो हम लोगों को उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का थॉट्स यही था, बताइएगा आज का थॉट्स आप लोगों को कैसे लगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो देखिए आज के करंट्स में ये बिग साइज़ का जग है, इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया है, तो आज इसका क्रंच करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर इसका आज मतलब कंप्लीट नहीं होगा तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। तो फिर चलिए आज का क्रंच वीडियो स्टार्ट करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने क्रंच किया फ्रेंड्स, बस इतना ज़रा सा बाकी है फ्रेंड्स। इसका मैं पार्ट टू लेकर के आऊँगी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अर्दी था फ्रेंड्स। और बताइएगा आज का क्रंच वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।